हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश के इस डेली करंट अफेयर्स के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स से क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही उनके क्या जवाब होंगे और उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स क्या रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। और पहला सवाल है, अमेरिका ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीज़ा अवधि 5 साल से घटाकर कितना कर दिया है? ऑप्शन हैं 1 साल, 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने। सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 मंथ। देखिए कितना बड़ा चेंज हुआ है, पहले 5 साल था और अब इसको सीधे सीधे ड्रास्टिकली कम कर दिया गया और ये 90 डेज यानी कि 3 महीने का किया। ऐसा क्यों हुआ? देखिए इसके पीछे थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं मैं। पाकिस्तान ने पिछले साल ऐसा ही किया था कि उन्होंने US डिप्लोमेट जो थे और उनके जो मीडिया के प्रोफेशनल थे उनके लिए जो वीज़ा पॉलिसी थी वो घटा दिया करके उन्होंने 3 महीने कर दिया था। अब इसी के रेसिप्रोकल अभी वहाँ के डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये फैसला लिया है कि अगर पाकिस्तानी कोई भी जर्नलिस्ट हो या डिप्लोमेट हो या जो भी हो, अगर नागरिक हो, तो उनका वीज़ा भी 3 महीने से ज़्यादा हम नहीं देंगे। साथ ही डिप्लोमेट के ऊपर भी उन्होंने एक पाबंदी लगा दी कि कोई भी डिप्लोमेट एक दिन में 40 किलोमीटर से ज़्यादा US में ट्रैवल नहीं कर सकता। ये भी एक पाबंदी लगाई हुई है। साथ ही ना सिर्फ ये वीज़ा का ड्यूरेशन घटाया है बल्कि उसने जो इसका जो आवेदन शुल्क है, जो कि आप वीज़ा के लिए जो फी चार्ज करते हो, उसको भी जो पहले $160 थे उसे बढ़ाकर $192 कर दिया है सिविलियंस के लिए और जर्नलिस्ट के लिए। लेकिन अगर कोई टूरिस्ट हैं जो टूरिस्ट वीज़ा लेते हैं, स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट वीज़ा लेते हैं, इन सब पे अभी कोई ये पाबंदी एप्लीकेबल नहीं है। तो क्या सिर्फ इतना ही बदलाव हुआ है अभी पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन में? बहुत सारी चीज़ें हुई है। देखिए अभी जैसे कि पिछले साल मैंने बताया कि डिप्लोमेट को लेके ये पाबंदियाँ आई थी, उसके बाद ही जो पहले मिलियंस में पाकिस्तान को US एक तरह से डोनेट करता था, उसे फंडिंग देता था, ये डोनेशन ट्रंप ने बंद कर दी। उसके बाद क्या हुआ, अभी जो हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो उठापटक हुई, जो जिस तरह से एक दूसरे पे कार्रवाई हुई आतंकवादी हमले के बाद, जिसमें ये ऐसा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने F-16 का उपयोग किया था इंडियन एयरफोर्स को दिखाने के लिए या उसको थ्रेटन करने के लिए, और जिसके F-16 से उन्होंने अमरान करके एक मिसाइल छोड़ा था जो कि बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड यूज़ के लिए इसको छोड़ना चाहिए था, ऐसा उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। और इंडिया का दावा है कि जो MiG-21 है उसने F-16 को मार गिराया, जिसके बारे में पाकिस्तान ने अब तक पब्लिकली कोई बात नहीं बोली, लेकिन इंडिया ने इसे गिराए जाने को बहुत सारे सबूत दिए हैं। और अब ये प्रेशर US भी पाकिस्तान के ऊपर बनाया है कि अगर आपने F-16 का यूज़ किया है तो ये एंड यूज़र वायलेशन है, क्योंकि आप F-16 किसी देश को में डायरेक्ट बिना मतलब का आप नहीं यूज़ कर सकते हैं, ये आतंकवादी गतिविधियों के लिए ही होना चाहिए। तो इस केस में भी पाकिस्तान ने बहुत ही मुस्तैदी के साथ पाकिस्तान को टेक केयर किया है, उसके बारे में सवाल जवाब हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इन दोनों के बीच जो रिलेशन है उसमें एक तनाव सा तो बहुत पहले से था, अब ये तनाव बहुत ही लंबी दूरी तक चली गई है। अब अगला सवाल, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों के फोर्स टॉप 20 में एकमात्र किस भारतीय को शामिल किया गया है? ऑप्शन है अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, मुकेश अंबानी। अभी हाल ही में जो फोर्ब्स मैगजीन है उसने अपने दुनिया का टॉप 20 बिलियनियर की लिस्ट निकाली, जिसमें एकमात्र भारतीय टॉप 20 में है, वो है मुकेश अंबानी, और इनका जो पोजीशन दिया है वो 13th पोजीशन। पिछले साल ये 19th पोजीशन पे थे। कहा जाता है कि इनके धन में जो पिछले साल 40 बिलियन के आसपास थी, अब 2019 में इन्हें 50 बिलियन का इनके पास जो है टोटल इसकी वैल्यू है, और इसीलिए ये 13th पोजीशन पे है। ओवरऑल अगर इस टॉप 20 की बात करें तो अभी भी जो अमेजोन जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसका जो फाउंडर है जेफ बेजोस, अभी भी वो सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। और इनके साथ ही बहुत सारे और भी इसमें लोगों का एंट्री, नए लोगों की एंट्री हुई है बिलेनियर की, लेकिन ये एक गौरतलब करने वाली एक बात है कि भारत से सिर्फ एक ही बिलेनियर है और वो है मुकेश अंबानी। तीसरा सवाल, भारत ने 2019 में जन औषधि दिवस मनाने का फैसला किस दिन किया है? ऑप्शंस हैं 10 मार्च, 7 मार्च, 15 मार्च, 8 मार्च, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 7 मार्च। देखिए जन औषधि, जैसे कि आप सबको पता है कि ये जन औषधि केंद्र क्या है,
कि यहाँ पर आप कोई भी दवा का जेनेरिक आपको मेडिसिन मिलेगा और बहुत ही कम प्राइस में, लो प्राइस में। और ऐसा माना जाता है कि लगभग हर दिन 10 से 15 लाख लोग जन औषधि केंद्र से दवाइयों का उपयोग करते हैं और अपने स्वास्थ्य में जो भी काम होता है वो उसका उपयोग करते हैं। और इसी को देखते हुए 7 मार्च को मनसुख मंडाविया हैं, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैं, उन्होंने इस बात की घोषणा की कि भारत 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाएगा। इस दिन क्या होगा, इस दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो भी जन औषधि से जिनको जिनको लाभ हुआ है उन सब के साथ वो इंटरेक्ट करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनके कुछ फीडबैक लिए जाएंगे कि आगे इसमें और क्या किया जाना चाहिए, ताकि एक हम प्लान कर सकें। क्योंकि एक प्लान इन्होंने किया है कि 2020 तक हर ब्लॉक में एक जन औषधि केंद्र हो। समझिए कितनी बड़ी हेल्थ सेक्टर के लिए बात होगी। हेल्थ के लिए इंडिया अभी तक, जैसा कि आपको बताया, दुनिया का सबसे बड़ा योजना उसने शुरू किया है, आयुष्मान भारत। अब आयुष्मान भारत तभी सफल हो पाएगा जब दवाइयां भी उतनी ही कम रेट में मिले लोगों को, और इसके लिए जन औषधि केंद्र एक बहुत ही बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है। अब इससे क्या हो जाएगा, लोगों का जो दवाइयों के ऊपर जो खर्च हो रहे थे, और ऐसा बताया जा रहा है जितना दवाइयां वो खर्च करते अगर जन औषधि केंद्र से वो दवाइयां लेना शुरू करते हैं तो हर साल लगभग 1000 करोड़ रुपए का बचत सीधे सीधे नागरिकों को होने वाला, अगर भारत में बात करें तो। और ये लगभग ये 50 से 90% दवाइयां सस्ती मिलती है। अगर आपको 100 रुपये में कहीं बाहर मिलती है तो जन औषधि केंद्र में ये 50 या 10 से 50 रुपये के बीच में आपको ये दवाइयाँ उपलब्ध होती है। तो इस तरह के जो एक नए कीर्तिमान बन रहे हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में, तो उसी को एक सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने जन औषधि दिवस का घोषणा किया, जो कि 7 मार्च कल के दिन मनाया गया। अगला सवाल, हाल ही में किसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। ऑप्शन हैं सुशील चंद्रा, अनुज शर्मा, भगवान लाल सहनी, कमलेश दास। सही जवाब है ऑप्शन सी, भगवान लाल सहनी। अब ये भगवान लाल सहनी को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अभी अध्यक्ष बनाया गया है, और इसके साथ ही कौशलेन सिंह पटेल, सुधा यादव, आचार्य तलोजी को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए, अब ये जो NCBC है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट, इसका कैसे शुरुआत कैसे हुआ, आपको बता दूं कि पहले एक इसका जो था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग NCBC एक्ट था 1993, इसको खत्म करके पिछले साल ही जो हमारे पार्लियामेंट है उसने NCBC को संवैधानिक दर्जा दिया, और ये संवैधानिक दर्जा हुआ 123वां संविधान के संशोधन से। क्या हुआ, इसके साथ ये इसने संविधान में एक आर्टिकल इंसर्ट किया, और वो आर्टिकल है 338B, जिसमें कहा गया कि देयर शैल बी अ कमीशन फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस टू बी नोन एज नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इसके साथ ही अब ये जो NCBC है, जिसके पास को पहले कोई पावर नहीं थी, सिर्फ ये रिकमेंडेशन करने का एक इसके पास पावर था कि इसमें ये किसी समुदाय को, किसी कम्युनिटी को बोलेंगे कि ये बैकवर्ड कास्ट है, या अब ये बैकवर्ड कास्ट नहीं है, किसी को बाहर करेंगे, किसी को अंदर करेंगे, बस इतना ही पहले NCBC एक्ट के तहत इनके पास पावर था। अब इसके पास जो पावर हो गया है वो है एक नागरिक अदालत की तरह, सिविल कोर्ट की तरह इसके पास शक्तियाँ होंगी। जैसे नेशनल कमीशन फॉर SC and ST के पास, जैसे महिला आयोग के पास जिस तरह से पावर है, उसी तरह से अब NCBC को भी ये पावर दे दिया गया है, और उसका जो अभी अध्यक्ष बने हैं भगवान लाल सहनी, याद रखिए। और NCBC जो संविधान संशोधन हुआ है, इसको भी आप लोगों को ध्यान पे रखना है कि कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, किस आर्टिकल को इंसर्ट किया गया, तो ये सारी जानकारी आपके लिए यहाँ पे मैंने बता दिया है। अगला सवाल, हाल ही में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम की शुरुआत की गई, ये शुरुआत किस राज्य से सटे बॉर्डर पर की गई। ऑप्शन है मेघालय, त्रिपुरा, असम, मणिपुर। सही जवाब ऑप्शन सी, असम। देखिए, असम और बांग्लादेश इन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा बॉर्डर एरिया है, वो क्या है, लगभग 61 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया है जिसपे ये स्मार्ट फेंसिंग शुरुआत की गई। कहाँ पे शुरू की गई, असम में एक धुबरी डिस्ट्रिक्ट है, उसी से सटा जो भी बांग्लादेश का बॉर्डर है वहीं पे ये स्मार्ट फेंसिंग हमारे जो होम मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह ने इसका इनॉग्रेशन किया। इसमें क्या है, इसमें जो व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली के तहत बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड QRT सिस्टम
बोल्ड QIT, ये याद रखना है, ये आपके UPSC सिविल सर्विसेज इस सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बोल्ड QIT क्या है। ये है बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड QRT सिस्टम। क्या है मैं समझाता हूँ, देखिए ये जो BSF है उनका काम है भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पे उसकी निगरानी करना, ताकि कोई भी अवैध रूप से आना जाना ना हो, कुछ गलत काम ना हो। और ये लगभग 4000 किलोमीटर से ज़्यादा का बॉर्डर एरिया है। ये जो धुबरी जिला के पास जो 61 किलोमीटर का लंबा एक बॉर्डर क्षेत्र है, यहाँ से ही ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में गिरती है। अब अगर वहाँ पे जब रेनी सीजन आते हैं, जब बारिश होती है, तो BSF वालों के लिए ये बहुत ही कठिन हो जाता है कि पूरे सीमा की वो देख रेख करे मैनुअली जाके वहाँ पे। इसी को देखते हुए 2017 में जब होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बोला कि हम इसको इलेक्ट्रॉनिकली निगरानी करेंगे, अब उसके बाद 2018 में ये फैसला लिया गया कि इलेक्ट्रॉनिकली निगरानी के लिए बोल्ड QIT की शुरुआत की जाएगी, बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड QRT सिस्टम। क्या होगा कि इसमें एक सेंसर लगाया जाएगा और ये हर गतिविधि पे वहाँ पे आप वहाँ जो BSF के लोग कैंप में रहेंगे और हर गतिविधि पे उस पर निगरानी रखा जा सकता है। अगर हम बॉर्डर एरिया की बात करें तो आपको मैं दिखा दूँ कि ये है असम का बॉर्डर और असम और ये है बांग्लादेश का बॉर्डर। अब ये असम और बांग्लादेश का, ये जहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में गिरती है, यहीं पे है धुबरी डिस्ट्रिक्ट और यहीं से ये स्मार्ट फेंसिंग होगी जो लगभग 60 किलोमीटर का है जहाँ पे किया गया। आपको ये भी रखना है कि बांग्लादेश का हमारे किस किस स्टेट की बॉर्डर से ये सटा हुआ है, तो इधर आपको पड़ जाता है वेस्ट बंगाल, नॉर्थ में आप देखिए तो असम है, ईस्ट में मेघालय, त्रिपुरा और फिर ये लास्ट में इंटरनेशनल जो इसका दूसरा बॉर्डर है वो हो जाएगा म्यांमार के साथ। तो ये सारे बॉर्डर है जो कि हमारे भारतीय स्टेट के साथ ये बांग्लादेश का बॉर्डर सटा हुआ है। और अगला सवाल, भारत का सबसे स्वच्छ शहर के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 का प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? नागपुर, इंदौर, दिल्ली, छावनी, भोपाल। सही जवाब ऑप्शन बी इंदौर। ये बहुत ही बड़ी बात, इंदौर को लगातार थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर में ये मोस्ट क्लीनिएस्ट सिटी का अवार्ड जो है इंदौर को मिला है। वहीं भोपाल को सबसे स्वच्छ राजधानी का, दिल्ली छावनी को भारत की सबसे स्वच्छ छावनी का अवार्ड मिला है। वहीं अगर तीन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकारी राज्यों में देखें तो छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र है। ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार है ये दिया जाता है किसके तहत? केंद्र सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की पहल पे ये शुरू किया गया। ये सर्वेक्षण कब शुरू किया गया 2019 के लिए बताते, 4237 शहरों में ये सर्वेक्षण 28 दिनों में किया गया और इसमें जो बहुत सारी टीम बनाई गई उन्होंने 64 लाख लोगों के साथ बातचीत की, साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी 4 करोड़ लोगों का फीडबैक लिया, फिर सिटीज़ के फोटोज़ लिए गए और इन सब के आधार पे ये पूरा एक पुरस्कार दिया गया जिसे हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उन्होंने इन सभी को पुरस्कृत किया। तो याद रखना है सबसे क्लीनिएस्ट सिटी इंदौर। अगला सवाल, संस्कृति और पर्यावरण राज्य मंत्री महेश शर्मा ने हाल ही में किस शहर में आज़ादी के दीवाने संग्रहालय का उद्घाटन किया? मुंबई, अमृतसर, नई दिल्ली, पानीपत। सही जवाब ऑप्शन सी नई दिल्ली। नई दिल्ली के लाल किला में इन्होंने आज़ादी के दीवाने म्यूजियम का उद्घाटन किया। किसने किया? संस्कृति और कल्चर एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं महेश शर्मा। ये किस लिए आज़ादी के दीवाने? ये उन हमारे आज़ादी के दीवानों के लिए है जिन्हें लोग भूल गए हैं, जो भूले बिसरे हैं, जिनका कहीं पे नाम नहीं है, आप उनके नाम कहीं पढ़ नहीं पाते। ऐसे अवर्णित लोगों को फिर से जानने के लिए, उनको इस बारे में समझने के लिए ये आज़ादी के दीवाने संग्रहालय का वहाँ पे शुरुआत की गई। जैसे लाल किला में ये 5वां ऐसा एक संग्रहालय की स्थापना हुई है। इससे पहले आपको पता है कि नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जालियांवाला बाग ये जो म्यूजियम था उसका उद्घाटन किया। वहीं पे स्वाधीनता संग्राम के लिए प्रथम युद्ध का भी संग्रहालय है, दृश्य कला संग्रहालय स्थापित है। तो 4 ये है और 5वां आज़ादी के दीवाने संग्रहालय जो है वो लाल किला में वहाँ पे शुरुआत की गई है। आप लोग चाहें तो इसे, आप लोगों को देखना चाहिए इसे, अगर कभी दिल्ली आने का मौका मिले या दिल्ली में रहते हैं तो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये आपके इतिहास को बताता है, ये आपके इतिहास के उस अद्भुत क्षणों को आपको दिखाता है जिसे आप नहीं देख पाए और आपके पूर्वज कर गुजरे हैं। और आज का अगला सवाल, हाल ही में निम्नलिखित में किस राज्य ने राइस नॉलेज बैंक की शुरुआत की गई है? ऑप्शन से बिहार, असम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। सही जवाब ऑप्शन बी असम।
असम में वर्ल्ड बैंक की सहायता के साथ राइस नॉलेज बैंक नाम का पोर्टल शुरुआत किया गया। ये पोर्टल क्या होगा, ये वहाँ पे राइस की किस तरह से पैदावार हो, उसकी पैदावार और कैसे बढ़ाया जाए, उसका संरक्षण कैसे किया जाए, उसको कैसे स्टोरेज किया जाए, ये सारी चीज़ों के लिए ये पोर्टल की शुरुआत हुई है ताकि वहाँ के लोगों को हेल्प मिले। आपको बता दूं कि आसाम में 85% से ज़्यादा लोग जो कृषि करते हैं वो राइस का ही प्रोडक्शन वहाँ से होता है। ऐसे में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है वर्ल्ड बैंक के साथ और आसाम गवर्नमेंट के साथ कि उन्होंने इस पोर्टल की शुरुआत की है। और दोस्तों इसी के साथ हम खत्म करेंगे आज के इस पहले सेगमेंट को। हम बढ़ेंगे दूसरे सेगमेंट में जहाँ पे मैं आपके आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब देखेंगे और फिर आपके लिए एक सवाल भी देखेंगे। मैंने सवाल पूछा था किस राज्य ने पत्रकार सम्मान योजना शुरू किया। ऑप्शन से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम। सही जवाब ऑप्शन बी बिहार। बिहार सरकार ने अभी हाल ही में घोषणा की कि हमारे लिए जो पत्रकार हैं उनके जो अगर वो रिटायर होते हैं तो उनके बाद की उनके जीवन को सही बनाने के लिए, अच्छा जीवन देने के लिए हम पत्रकार सम्मान योजना का शुरू करेंगे। क्या क्वालिफिकेशन होगा कि 20 साल का आपका जो है अनुभव इसमें होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए और फिर ऐसे लोगों को 6,000 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। ये जो 20 साल है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूज़ चैनल में या न्यूज़पेपर में, ये आप न्यूज़ के वेब पोर्टल पे कर सकते हैं, साप्ताहिक, अर्ध साप्ताहिक, अर्ध मासिक, किसी भी पत्रिका में आपने काम किया वो सभी लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर उनके पास 20 साल का अनुभव है तो बिहार का सरकार उन्हें 6,000 रुपये महीना उन्हें जो है पेंशन देगी। अगर उनके गुजर जाने के बाद उनके पति या पत्नी में से किसी को ये पेंशन दिया जाएगा लेकिन वो आधी रकम हो जाएगी, फिर दिया जाएगा 3,000 रुपये पर मंथ। और अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये सवाल है लोसर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन से अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, नागालैंड। इसका जवाब हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए, साथ ही अपने फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लग रहा है, इसमें और आपको क्या बदलाव चाहिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत सारे कमेंट कीजिए। कमेंट हम लोग आपके पढ़ते हैं, उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करते हैं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और देखते रहिए jagranjosh.com।